कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में लॉकडाउन के पूरे आसार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप चलते हैं हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा के पास। सुबोध, बताएं क्या माने लॉकडाउन तय है मुंबई में, क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए मंत्री, मैं आपको ये बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक जो है तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के अलावा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार है, और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे है, इसके अलावा आपके जो सीताराम कुंटे जो मुख्य सचिव है वो भी है। ये बैठक है, ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दो दिन से पूरी जो सरकार है वो कवायद इस बात की कर रही है कि लॉकडाउन लगाए तो कैसे लगाए, क्या करे। कल ही टास्क फोर्स से भी बात हुई है, टास्क फोर्स ने भी इस चीज का जो है समर्थन किया है कि इस समय राज्य में लॉकडाउन बेहद जरूरी है और लॉकडाउन से ही जो चेन है कोरोना वायरस की उसको ब्रेक किया जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में वापस एक नया रिकॉर्ड बना है कोरोना संक्रमित मरीजों का 60,000 के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ मुंबई जैसे शहर में 58 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई है, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन की बात हुई है। लॉकडाउन जो है वो अभी जो आज बैठक जो हो रही है इसमें निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन आज लगेगा। कुछ जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगने की संभावना है। ये लॉकडाउन जो लगेगा तो निश्चित तौर पे इस लॉकडाउन में बहुत सारे जो है पाबंदियां लगाई जाएंगी, और सबसे बड़ी जो चीज है जो हमारे सूत्र से पता चला है कि जो लोकल ट्रेन है उस लोकल ट्रेन में जो आम लोगों की जो आवाजाही है उसको हो सकता है बंद किया जाए। इसके अलावा जो पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का मेन जो वजह है वो यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर रहे। इसके अलावा ये लॉकडाउन जो लगाने का समर्थन जो है जो सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 14 दिन के लिए लॉकडाउन लगने की संभावना है, तो निश्चित तौर पे 2 हफ्ते के लिए लगा करके उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना है या फिर इसमें अगर हमें जो सरकार को अगर महारत मिली और सरकार को अगर इसमें यश मिला कि सरकार अगर ब्रेक चेन करने में कामयाब रही तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि कुछ चीजों पे ढील मिले। लेकिन फिलहाल कड़क लॉकडाउन जो है जिसको हम बोलेंगे पूरी तरह से प्रतिबंधित लॉकडाउन है, इसके लगने की 14 अप्रैल तक संभावना है। अभी जो बैठक चल रही है इसमें ये निर्णय लिया जा सकता है। जी।